हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट ऐसे को ये ऐसे होगा न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी यानी NEP 2020। ठीक है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है, न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, ऐसे के लिए स्पेशली। तो इसको आप जरूर तैयार करिए, आपके एग्जाम में आ सकता है टॉपिक। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको ये बुक मिल जाएगी जिसको आप ले सकते हो। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर कराए गए हैं जिनको आप तैयार कर लेंगे और विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड में। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो जिसमें एसईओ लेटर दोनों ही आपको मिल जाएंगे सिंगल बुक में और वो भी लोएस्ट कॉस्ट में। राइट, तो आप इनको ले सकते हो और 30% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, तो दोस्तों वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। नहीं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से, तो कैसे इसको आपको लिखना है ये देख लेते हैं। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020 टू ओवरहॉल द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, अप्रूव कर दिया 29 जुलाई 2020, ताकि जो कंट्री है उसका एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से बदला जा सके, उसमें बदलाव किया जा सके। राइट, इट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। अब देखो इसमें जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स किए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रिफॉर्म होने वाला है एजुकेशन में, बहुत सारी चीजें चेंज होगी। ठीक है, और एक तरह से जो स्कूल और हायर एजुकेशन है दोनों में ही बदलाव किया जाएगा पूरी कंट्री में। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इसकी। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी। यहाँ आप ये भी बता सकते हो ये जो पहली एजुकेशनल पॉलिसी होगी 21st सेंचुरी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टॉपिक। इसके बाद देखो आप बता सकते हो इस न्यू पॉलिसी का एम क्या है। द एम ऑफ द न्यू पॉलिसी इज द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम पी स्कूल्स टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। अब आप यहाँ पर बता सकते हो जो मेन एम है न्यू एजुकेशन न्यू पॉलिसी का वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो है वो सबके लिए हो, सभी के लिए इक्वल हो, प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक की, और 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का एडमिशन होना चाहिए स्कूल में। राइट, तो इस तरह से 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है, एक प्री से सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है। राइट, तो यहाँ पर आप ये एम बता सकते हो इसका और इस तरह से यहाँ पर शुरुआत करोगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में, आप बता सकते हो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस सम चेंजेस इंक्लूडिंग ओपनिंग अप ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन टू फॉरिन यूनिवर्सिटीज। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो चेंजेस हैं किए गए हैं, जो न्यू चेंजेस प्रपोज किए गए हैं उसमें ये भी है कि जो इंडियन हायर एजुकेशन है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हो। ठीक है, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है उसमें इंडिया की हायर एजुकेशन हो। इंट्रोडक्शन ऑफ अ 4-ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो इसमें न्यू प्रपोजेस किया गया है, चेंज किया गया है, वो इंट्रोडक्शन 4-ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का है। ठीक है, यानी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल में होगा और इसमें कई सारे एग्जिट ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, किसी भी ईयर पर आप एग्जिट कर सकते हो। राइट, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज एंड सुपर पावर। ठीक है, यानी जो मेन एम है वो एक तरह से इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको टेक्निकल चीजों का नहीं बताना, आपको ऐसे लिखना है उसी हिसाब से आप यहाँ पर चीजों को बताओगे। राइट, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो इन स्कूल एजुकेशन द पॉलिसी फोकसेस ऑन ओवरहॉलिंग द करिकुलम रिडक्शन इन द सिलेबस टू रिटेन कोर एसेंशियल्स एंड थ्रस्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप ये बता सकते हो स्कूल एजुकेशन में जो पॉलिसी है वो ओवरहॉल करिकुलम में, ओवरहॉलिंग का मतलब फोकस कर रही है, मतलब जो करिकुलम है उसमें बदलाव पूरी तरह से चेंजेस की कोशिश कर रही होगी इसमें। ठीक है, और जो सिलेबस है उसमें भी कमी की जाएगी, रिडक्शन किया जाएगा ताकि जो कोर एसेंशियल्स है उनको रिटेन किया जा सके, उनको ध्यान में, उनको बेसिकली बच्चों को याद रहे, कोर एसेंशियल्स मेन याद होने चाहिए।
एंड थ्रस्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और जो है मेनली एक्सपेरिमेंट लर्निंग पर फोकस किया गया है और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से बता सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द करेंट 10+2 सिस्टम इन द स्कूल विल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू 3-5-3-3-4 करिकुलम स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 बेस्ड था, यानी टोटल 12 साल होते थे, 12 साल के बाद ही ग्रेजुएशन में जाते थे, लेकिन अब 15 साल है। यहाँ पर जोड़ोगे 6, 4, 10, 15, तो 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल बड़े हैं, और ये 3 साल इसीलिए बड़े हैं ताकि जो प्री स्कूलिंग हो वो आपके शुरुआत के सालों में हो। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो जो स्ट्रक्चर उसमें भी बदलाव किया गया है। राइट, एज पर द न्यू पॉलिसी देयर विल बी 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विद 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग। ठीक है, यानी जो 3 ईयर्स जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो शुरुआत की क्या होंगे, आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग होगी। शुरुआत के जो 3 साल होंगे वो प्री स्कूलिंग, उसके बाद से शुरुआत होगी, यानी टोटल जो है 15-15 हो जाएगा यहाँ पर, 3-5-3-3-4 ये स्ट्रक्चर है, ये आप यहाँ पर बता सकते हो बढ़िया तरीके से। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो, एट स्कूल एंड हायर एजुकेशन संस्कृत विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड। स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में भी संस्कृत को भी इंक्लूड किया गया है एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पर, एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है संस्कृत, तो उसको स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी दोनों जगह संस्कृत मिलेगी। राइट दोस्तों, दिस ब्रिंग्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अंडर द एम्बिट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है, यानी इससे क्या होगा, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो भी एक तरह से फॉर्मल स्कूलिंग के अंतर्गत आ जाएगी। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों काफी सारे बदलाव जो किए गए हैं वो एक तरह से स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के किए गए हैं, और इससे काफी ज्यादा फायदा होगा सभी स्टूडेंट्स को, ये बात तो आप यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मिड डे मील प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू प्री स्कूल चिल्ड्रेन। अब मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में ही बता सकते हो क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो, तो मिड डे प्रोग्राम जो है, मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया प्री स्कूल चिल्ड्रेन तक, प्री स्कूल चिल्ड्रन तक मिड डे मील स्कीम पहुंचेगी। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर लैंग्वेज या मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अनलेस क्लास 5। यानी यहाँ पर दोस्तों आप ये भी बता सकते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मदर टंग यानी जो भी उनकी भाषा होगी उसी में ही सिखाया जाएगा, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें ही उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्लास 5 तक। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप इसको बढ़िया तरीके से बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, द पॉलिसी ऑल्सो प्रपोजेस दैट ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस मस्ट एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2040। देखिए, यानी इस पॉलिसी का इसमें ये भी प्रपोज किया गया कि जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो सभी मल्टी डिसिप्लिनरी बने 2040 तक। राइट, दिस पॉलिसी विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म अवर एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एंड में आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो पॉलिसी है ये हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री में उसको बूस्ट करेगी, और इसके द्वारा जो है क्या होगा, रेडिकली ट्रांसफॉर्म होगा हमारा एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें काफी तेजी से बदलाव आएगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको कैसे लिखना है। राइट, तो इसी तरह से दोस्तों आप इसको तैयार करिए, और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।